जदयू के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जागेश्वर राय ने महुआ प्रखंड क्षेत्र के जलालपुर गंगटी पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की तथा उनकी समस्या सुनी। जनसमस्या के दौरान लोगों ने जागेश्वर राय से कई शिकायतें की। लोगों ने कहा कि गांव में लो वोल्टेज से परेशानी हो रही है। इसके अलावा लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अनियमितता की शिकायत की, जिसके बाद राज्य कार्यकारिणी सदस्य जागेश्वर राय ने मोबाइल से संबंधित अधिकारी से बातचीत की तथा इसका निदान जल्द से जल्द निकालने की अपील की। इस दौरान उनके साथ पंचायत के पूर्व मुखिया भोला सिंह, अमोद राय, इम्तियाज गफूर साहब, महेश पासवान, सुमन जी मोहम्मद, नाजिश अनिल, वैद्यनाथ आदि उपस्थित थे। पोर्टल्स की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने प्रखंड क्षेत्र के गोविंदपुर सिखाड़ा में बर्तन फैक्ट्री का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बर्तन व्यवसाय से जुड़े लोगों से मुलाकात की तथा बर्तन व्यवसाय के संभावना व चुनौती पर चर्चा की। सोनार लोग जो पहले कारीगर थे, अभी प्रशिक्षण तथा सरकारी सहायता की कमी के वजह से अब मजदूर बनकर रह गए हैं, इसकी भी जानकारी ली। साथ ही बेरोजगारी की समस्या को दूर करने पर बल दिया। सरकार की कमी को गिनाते हुए श्रीमती चौधरी ने कहा कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं, कोई उद्योग नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, इस पर सहयोग करने का वादा किया। इस अवसर पर बैस महासभा के दशरथ शाह, स्वर्णकार संघ के प्रदीप कुमार सोनी, भरत प्रसाद, धर्मेंद्र शाह, रामाशंकर राय, आकाश सोनी, पवन सोनी, पंकज कुमार, अनुराग सोनी, मंजू देवी, राम सागर शाह, कैलाश शाह, उमा शंकर राय सहित कई लोग उपस्थित थे। महुआ गांधी चौक पर एक खोई हुई लड़की पुलिस को मिली है। लड़की अपना नाम पता नहीं बता रही है। पुलिस ने तत्काल उसे अपने पास रख लिया है और उसके परिजनों की खोजबीन की जा रही है। लड़की ने बताया है कि वह अपनी दीदी के साथ महुआ आई थी, इसी दौरान उसकी दीदी कहीं चली गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है तथा उसके परिजनों को खोजने का प्रयास कर रही है। वहीं लड़की का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से महुआ बीडीओ मनोज कुमार, थाना अध्यक्ष के एन झा एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर प्रसाद ने महुआ गांधी चौक पर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान माइकिंग के जरिए लोगों से मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, हमें और सावधानी की जरूरत है, इसलिए घर से जब भी निकले तो मास्क पहने। जो भी व्यक्ति बाजार में मास्क नहीं पहनेंगे, उन पर ₹50 का जुर्माना किया जाएगा। महुआ में दिन दहाड़े लूट के खिलाफ स्वर्णकार संघ का बंद तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं 3 दिन गुजर जाने के बावजूद अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से स्वर्णकार संघ ने रोष प्रकट करते हुए कहा है कि 3 दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। स्वर्णकार संघ ने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। कोरोना वायरस को देखते हुए महुआ प्रखंड कार्यालय परिसर में बनने वाले आधार कार्ड कार्यालय को महुआ बीडीओ ने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। इस संबंध में आधार कार्ड बनाने वाले कर्मियों ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए महुआ वीडियो के आदेश के बाद हम लोगों ने तत्काल आधार कार्ड बनाने का काम स्थगित कर दिए हैं। इसकी सूचना हम लोगों ने दीवार पर चिपका दिया है। जब प्रशासन द्वारा फिर से आदेश जारी किया जाएगा
तब हम लोग आधार कार्ड बनाने का काम शुरू करेंगे। महुआ नगर पंचायत के सफाई कर्मी मानदेय में बढ़ोतरी और सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मियों के हड़ताल के कारण नगर पंचायत के साफ सफाई कार्य पूरी तरह ठप हो गया है, जिसके कारण नगर पंचायत के जहां तहां कूड़ा कचरा का अंबार लग गया है। कर्मियों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा तय मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है, इसके अलावा किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसके कारण बिना सुविधा के ही वे लोग काम करने को मजबूर हैं। कर्मियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोगों का हड़ताल जारी रहेगा। इस हड़ताल में अजय कुमार, उमेश मांझी, संजय राम, अरविंद रावत, पप्पू रावत, अमित कुमार, राजा कुमार, अमर कुमार, विनय मल्लिक, शंकर मल्लिक, रंजीत कुमार, विनय कुमार, राकेश कुमार आदि शामिल थे। कमर मारी नहीं चलेगी।